Hello, my dear students. I hope all you are well. Now today we discuss about motion. आज हम जानेंगे कि motion क्या होता है, इसके बारे में पूरा deeply discuss करेंगे. चलिए पहले देखते हैं motion क्या होता है. What is motion? ये आपकी class 9th का बहुत important chapter है motion. तो इसके बारे में जानते हैं motion क्या होता है. तो देखिए motion, एक आपका motion होता है और एक आपका rest होता है. जब body कोई rest में होती है तो उसको रेस्ट बोलते हैं. जब कोई बॉडी मोशन करती है, डेट मीन्स मूवमेंट करती है, ठीक है, जब अपनी वो पोजीशन बदलती है तो वो हम उसको कहते हैं मोशन. जैसे आपकी कार थी, ठीक है, कार और बस आपकी कहीं रोड पर चल रही है तो क्या शो कर रही है, आपका मोशन शो कर रही है. अगर वो कहीं स्टॉप है तो वो क्या है, रेस्ट में है. ठीक है, जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है, कोई बॉडी या कोई थिंग्स जब रेस्ट में होती है, डेट मीन स्टॉप पोजिशन. फिर होता है मोशन. ठीक है, मोशन, कोई बॉडी मूव कर रही है तो आपको मोशन होता है. जैसे देखिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, अ बॉडी सेट टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू इट्स फिक्स्ड पोजीशन. तो क्या है आपका वो मोशन कहलाएगा. रेस्ट, जो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है वह आपका रेस्ट कहलाएगा. बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है, आपका मोशन कहलाएगा. अब इस पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. तो आपको अब समझ में आ गया मोशन क्या होता है. हम जानेंगे कि मोशन के कितने टाइप होते हैं. ठीक है, मोशन आपके दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म डेट मीन पर्टिकुलर होता है कोई. ठीक है, जैसे आप देखिए एक बॉय है, ठीक है, इसने एक रनिंग स्टार्ट करी या वो बॉल कर रहा है तो पहले वो 0 से 5 किलोमीटर चलेगा, 5 से 10 किलोमीटर चलेगा, 10 से 15, 15 से 20. तो क्या एक पर्टिकुलर है. ठीक है, इसमें हर एक बीच में गैप है, डिस्टेंस है इसका जो कितने का है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो ये क्या पर्टिकुलर. ठीक है, हर एक एवरी पॉइंट पे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो आपको क्या चाहिए, एक यूनिफॉर्म है.